जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 19। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन मुझे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो कह सके, हे कृष्ण, हे वासुदेव, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अर्जुन मुझे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो कहता हो, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं तुम्हारा हूँ। अर्जुन मुझे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो कहता हो, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आपको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अर्जुन मुझे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो कहता हो, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मुझे एहसास हुआ कि आपको पाने का या आपको प्राप्त करने का केवल आप ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अर्जुन मुझे ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो कहता हो, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपके प्रति समर्पण करता हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। अर्जुन लेकिन क्या तुम जानते हो कि मुझसे कौन कह सकता है तुम ही मेरे सब कुछ हो? जिसके पास पुण्य और योग्यता का खजाना है और वह उसने अपने पिछले जन्मों हजारों जन्मों में से केवल इसके प्रभाव से अर्जित किया है, जिनके पास पुण्य और योग्यता का वह शुभ खजाना है, वह कहेगा, हे कृष्ण, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और वह अकेले मेरी पूजा करता है, वह महात्मा या महान भक्त बन जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा ठीक उस माँ की तरह है जिसके बच्चे को उसकी परवाह नहीं है, और वह माँ कैसे और कैसे अपने बच्चों से प्यार और स्नेह के लिए तरसती और तरसती है, उसी तरह श्री कृष्ण परमात्मा एक महात्मा या एक महान भक्त के लिए तरसते हैं और तरसते हैं। तो चलो आइए हम कहें, हे कृष्ण, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इसीलिए अब श्री कृष्ण परमात्मा की लालसा और लालसा को शांत करने का प्रयास करें, और खुद को तैयार करते हुए और अपने दिलों में यह कहने के लिए प्रेरित करते हुए, हे कृष्ण, तुम मेरे सब कुछ हो, आइए हम भी श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को दोहराने का प्रयास करें जैसे वे हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा,
जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूंगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन्नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन्नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन्नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अधिक विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन्नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन्नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः ॐ। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।